जैसे कि आप देख रहे हो, हम गांधीनगर के रोड पे चल रहे हैं। वन बोलते हैं जिसको, ये लोग हुकुम का रोड है। यहाँ की बिल्डिंगें देखिए बड़ी बड़ी, यहाँ का पूरा रोड चेंज हो चुका है। गार्डन वार्डन अच्छा बन चुका है। देखिए बाइक कैसे लेके गया स्पीड में। यहाँ का पूरा लोकेशन चेंज हो गया गाइस। ऊपर अभी गांधीनगर पहले जैसा नहीं रह गया है। गांधीनगर बहुत फैसिलिटी में चेंज हो गया। बड़े बड़े टावर बन चुके हैं, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, सब चीज़ों की सुविधा है। देखिए यहाँ पे, देखिए आगे सीधा, यहाँ से सीधा जाएंगे तो एकदम स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे ओपन तालाब आएगा। ओपन तालाब जैसे हमारे यहाँ पे गणपति से विसर्जन होता है, वहाँ पर माता का विसर्जन होता है, तो हम सब वहीं गणपति डुबाने के लिए जाते हैं विसर्जन करने के लिए, पब्लिक हमारी लगी एरिए की। अब हम जा रहे हैं वागले स्टेट अपने घर की तरफ। यहाँ से लेफ्ट मारना है राइट सीधा, यहाँ से हमको सीधा जाना है क्योंकि बहुत दिन के बाद आ चुका हूँ यहाँ पे। मैं पहले आता था बहुत दिन पहले, वो जंगल एरिया था पूरा, जंगल एरिया था। तो अब यहाँ से हमको लेफ्ट मारना है, यहाँ से हम लेफ्ट मारेंगे और सीधा जाएंगे तो जंगल में पहाड़ का पहाड़ी। देखिए ऊपर वो फॉरेस्ट का एरिया है, ऊपर देखिए फॉरेस्ट है पूरा। और ये टावर देखिए बन रहा है यहाँ पर नया, हम लेफ्ट मार के निकलेंगे लोकमान्य नगर के लिए। यहाँ से लोकमान्य के लिए जाते हैं और यहाँ पे पहाड़ों पर मंजा करने जाते हैं पिकनिक पार्टी के लिए लोग। यहाँ से जो रोड जा रहा है आपको दिख रहा है राइट साइड से, हम निकलेंगे लेफ्ट में लोकमान्य के लिए। यहाँ से अगले स्टेट का रोड आएगा गाइस। जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो तो देख रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को देख के स्किप करके लाइक नहीं कर रहे गाइस। मुझे लगता है आप लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लोकेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको अच्छे अच्छे लोकेशन दूंगा। मैं बहुत दूर दूर तक जाता हूँ, बाहर तक जाता हूँ, जॉब पर जाता हूँ, हर चीज़ के लोकेशन दूंगा। क्यों मुझे देखिए, मेरे पास ये नॉर्मली मोबाइल से बनाता हूँ मोबाइल। तो जैसे कि गाइस देखिए, अभी थोड़ी देर के लिए रुक गया था मैं कहीं शाम से, मुझे मेरा फ्रेंड मिल गया था पहले बाजू में रुक गया मैं आते थे उसमें। तो मैं आपको एक भोलेनाथ का गाना सुनाता हूँ, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, जय भोलेनाथ जरूर लिखना। महादेवा तेरे डमरू डम 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 बजता जाए रे, मेरा भोला भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे सब दादा। यहाँ से ओपन आएगा, ओपन के लिए रोड है। यहाँ से राइट मारेंगे तो देखिए गाइस निकलेंगे, ये हमारा रास्ता है, ये सर्कल से हम घूमेंगे राइट मारकर, ये जाएंगे लोकमान्य के लिए। निकल गए हैं गाइस, ये लोकमान्य नगर दोगा दीघे से साहेब। ये रोड भी पहले बहुत जंगल एरिया था, आज आप देखिए इसके फैसिलिटी देखिए, आप रोड देखिए। पहले यहाँ पे कॉन्क्रीट नहीं था, पहले मिट्टी का रोड था, हम निकलना मुश्किल होता, चलना बारिश में बहुत परेशानी होती थी। अब कैसा है यहाँ पे देखिए, बड़ी बड़ी टावर भी खड़े हो गए ऊपर से, प्लस बिल्डिंग बन गई है, शॉप बन गए, दुकानें बन गई है, पब्लिक को अच्छा दिया है। ये मिलना हिल्स टावर का नाम बहुत ही बढ़िया है। जैसे अभी देखिए हमारे सामने दिख रहा होगा मामा भांजा, हम हर साल में जाते हैं मामा जी भांजे की तरफ, वहाँ दरगाह बनी हुई है, छोटी छोटी मजार दिख रहा होगा आपको नजर। और वो देखिए सामने इंदिरा नगर का पहाड़ दिख रहा है, झोपड़पट्टी वहाँ हमारा स्कूल है, हम बचपन में पढ़ाई की है। ठंडी का मौसम है ना, कोहरा मचा है, मेरे मुंह पे कहाँ रख रहे हैं मोबाइल, तो कोहरा मचा है। तो देखिए यहाँ से हमको अभी मारना है लेफ्ट, लेफ्ट मारेंगे तो यहाँ से जाएगा भाई। रास्ता बताना मेरे को, यहाँ का रास्ता पता नहीं है, पहली बार आ रहा हूँ ये गलियों में, बचपन में सब याद था। यहाँ पे सब रोड चेंज हो गए तो पता नहीं चल रहा, देखिए यहाँ बिल्डिंगें भी खड़ी हो गई हैं बड़ी बड़ी। यहाँ से सीधा जाना है देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े टावर बन गए हैं। तब यहाँ पे पूरा जंगल एरिया था, इतना जंगल था कि यहाँ से इंसान को जाने को भी आदमी को भी डर लगता था, झाड़ियाँ थी वो जंगल जैसे थे। आज झाड़ तो वैसे ही है लेकिन बिल्डिंग खड़ी पड़ी है। यहाँ बस स्टॉप आ गया है, यहाँ पे इसी गली में घुस रहे हैं हम लोग, लोकमान्य नगर की गली, लोकमान्य नगर ना ये। तो जैसे कि लोकमान्य की वादियों में घुस चुके हैं, गलियों में छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ ब्रेकर भी हैं, ये संभालना पड़ेगा। ब्रेकर बहुत डेंजर बना के रखा है, जैसे कि देखा आपने ब्रेकर में कितना झटका लगता है, ब्रेकर पे कॉन्क्रीट नहीं है, सीमेंट नहीं है, ये प्लास्टिक हो के ब्रेकर है। जैसे गाड़ी आ रही है लेफ्ट मारो राइट मारो भैये, निकलो फटाफट टाइम जाएगा भैये। ये है गोपाल डेयरी, दूध पीना है तो आप यहाँ आइए। ऊपर देखिए पुतला लटका रखा है, बाबा तांता बिच्छू का पुतला लटका के रखा है इधर। यस यहाँ से कहाँ जाना है, सीधा सीधा जाना है, सीधा जाना भैया। यहाँ मुझे पता नहीं कौन सी गलियों में घूम रहा है लोकमान्य नगर में। हाँ क्या
ये क्या है? साईं बाबा का मूर्ति लगा रखी है, बहुत बड़ी। यहाँ पे छोटा सीढ़ी बोलते हैं, जितने भी सीढ़ी के पदयात्री आते हैं यहाँ से होते हुए जाते हैं, ये गलियों से हम भी आते हैं। गए अभी हफ्ते भर पहले, हमारे बड़े भाई सीढ़ी गए थे तो वो भी यहीं से पदयात्रा करके पालकी लेके जाते हैं। तो पालकी यहाँ से जाती है चलते हुए, पदयात्रा करते हैं नासिक सीढ़ी तक। सात दिन आठ दिन लग जाते हैं उन्हें जाने में आने में। तो जैसे कि गाइस, अभी हम लोग गली गली में भटक रहे हैं। यहाँ की गलियाँ देखिए कितनी आड़ी टेढ़ी गलियाँ हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रही भैया कहाँ निकलेंगे पता नहीं। ये कहीं तो भी आ चुके हैं हम बाहर निकल के, हमें रोड नहीं मिल रहा अभी तक, सिर्फ गली गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ से हमको कहा जा रहा है राइट मारने के लिए, अब यहाँ राइट मारेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आया गाइस कहाँ पहुँच गए, जो मुझे मेन रोड पर पहुँच जाऊँगा तो मुझे समझ में आएगा मैं कहाँ हूँ। यहाँ मंदिर है भगवान का, देखिए भगवान जी के दर्शन, किस भगवान का है? गोगुम्बर महाराज का मंदिर है। यहाँ से राइट मारने को बोला गया है। यहाँ से राइट में देखिए क्या है, यहाँ से राइट में तो शायद ये तो लोकमान्य बस स्टॉप आ चुका है गाइस, आप समझ में आ गया मैं कहाँ निकल के बाहर आया हूँ। लोकमान्य नगर का बस डिपो देखिए, बस खड़ी है सामने इधर लोकमान्य का। यहाँ से लेफ्ट मारना है अभी तो मुझे समझ में आ गया मैं कहाँ आ गया, इधर से है ना। तो भाई साहब बाहर आ चुके हैं हम लोकमान्य नगर, अभी इसके आगे आएगा आपको मिलेगा इंदिरा नगर नाका। चालू भी हो रहा है कि नहीं बराबर? तो जैसे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा मार्केट सब्जी मंडी, यहाँ हर चीज़ों के भाजियाँ सब्जियाँ मिलती है। देखिए यहाँ बटाटा का गोदाम है, बटाटा कांदा मिलता है, यहाँ सब ट्रॉफिक देख रहे हो गए यहाँ पर कितनी ज़्यादा ट्रॉफिक है। गलती देखिए पब्लिक, कई बच्चे लोग स्कूल से छूटे हुए अभी रूपा देवी स्कूल से, जैसे कि यहाँ ट्रॉफिक आज कल ज़्यादा ही लग रही है। यहाँ पर इससे लेफ्ट साइड में देखोगे तो भाजी मार्केट है, बहुत थोड़ी सब्जी मंडी है, हर सब्जी मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मस्जिद है, ट्रैफिक में फंस गए हैं अब क्या करें, ट्रैफिक ज़्यादा, जल्दी से जल्दी घर पे पहुँचना है तो, लेकिन क्या करें घर से फोन आ रहा है हमारा। जैसे गाइस अभी आपको मिलता हूँ ट्रैफिक के बाद, बाद में दिखाता हूँ आपको आगे निकल कर। अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है बंद, बीच बीच में आ रहे गाड़ी के पब्लिक, देखिए कैसे कैसे करके ट्रैफिक से बाहर आया हूँ। मेरा तो बहुत दिमाग खराब होता है ऐसी गर्दियों में। अब देखिए रोड खाली मिला है मुझे, अभी आगे जा रहा हूँ। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता था, यहाँ है बहुत बड़ा मंदिर, तो मंदिर पीछे गया है आगे चला गया आगे पता नहीं। और हम लोग यहाँ पे एप्पल जूस पीते हैं गाइस, जब भी हमें प्यास लगती है। तो अभी मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, आज मेरा बच्चा पैसा मांग रहा है तो मैं कहाँ से दूँ, पैसे नहीं है मेरे पास एक रुपये भी, छुट्टे नहीं है, मतलब पैसे है छुट्टे नहीं है। 2,000-5,000 के नोट है, 500 के नोट है, छुट्टे मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैं आपको जूस नहीं पिला पाऊँगा। 10 रुपये में कहाँ से छुट्टे लाओ। यहाँ से हमने मोबाइल लिया था, दुकान में बंद पड़ी है, खुली नहीं है। जैसे कि अभी आगे चल रहे हैं आगे बुर्ज खलीफा, तो गाइस आपको हम बुर्ज खलीफा दिखाएंगे हमारे यहाँ का, आप भी वो देख कर बोलोगे कि बुर्ज खलीफा है। नगर पीछे जा चुका है मैं, जिस बात कर रहा था इंदिरा नगर की, बहुत बड़ी भाजी मार्केट है, उसमें से निकलना यहाँ आता है, एक घंटा का ट्रैफिक का जाम लग जाता है। आप देखिए सामने बुर्ज खलीफा दिख रहा होगा आपको, देख रहा उसको दिखा, बुर्ज खलीफा को देखा, वो देखिए कितना बड़ा बुर्ज खलीफा खड़ा है हमारे इंडिया का। वैसे तो दुबई में है वो बुर्ज खलीफा, लेकिन हमारे इंडिया का दिखा उसको सामने, क्या मोबाइल घुमा रहा है, हाथ पे से हटा कैमरा, देखा होगा आपने बुर्ज खलीफा, देख रहे हो सामने कितना बड़ा है, यहाँ से दिखा ना इस साइड से। सर सिग्नल में से क्रॉसिंग करना बहुत डेंजर है, अगर से गाड़ी आ रही है तो पता नहीं चलता है, यहाँ से बहुत ही खतरनाक जोन है, यहाँ से क्रॉस करना पता नहीं चलता गाड़ी कब कहाँ से आ गई है। वाला सोच रहा था बच गया, लेकर चढ़ा जा रहा है उनके ऊपर, हमारे धंधा धुंध गाड़ियाँ चलती है गाइस, तो देख रहे हो आप गाड़ियाँ कैसे आ रही है, निकल निकल के इधर से उधर से इधर से उधर से उधर से। तो जैसे हम अगले स्टेट में पहुँच चुके हैं, हम अपने घर पे, देखिए रोड हमारे घर की तरफ सीधा जा रहा है, हम अपने एरिए पहुँच चुके हैं। तो गाइस
आप हमारा ब्लॉग हम आपको यही खत्म करना चाहते हैं, यही समाप्त करने जाएंगे। जैसे बड़ा ब्लॉग बन जाएगा, यहाँ के साथ आ रहा है ट्रक, इसको हमको जगह देनी पड़ेगी जाने की। जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी हमारे यहाँ पहाड़ों का बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ कैसा है मौसम बहुत ही शानदार होता है, ठंड का मौसम हो जाता है, ठंडी में आप बिना रजाई बिना कंबल के रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का मौसम ही अनोखा है, पहाड़ी एरिया है। आज कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा ही परेशान कर रही है, ये रोड खाली रहता है, गाड़ियाँ ऐसी चल रही है कि पूछूंगा तो यहाँ पे देखो ट्रैफिक। तो हम अपने एरिया में पहुँच गए हैं, ये हमारा एरिया है स्वागले स्टेट, यहाँ हम रहते हैं और आगे चल के आपको मिलेंगे फिर आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यही करते हैं गाइस, बाय फॉर वॉचिंग, बाय बाय।